डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दो या तीन क्वेश्चन, जितने भी जो बड़े क्वेश्चन हैं जो हमारे सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उनका पैटर्न लगभग फिक्स है और उसी पैटर्न पे बेस्ट क्वेश्चन आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से आते हैं। तो ऐसे तीन क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, तीनों पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन ही आपके पास सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनको हमें सोल्व करना रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। तो उसमें से पहला क्वेश्चन जो ये है कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। सपोज जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्रेस टेन इनवर्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स, वेयर माइनस थ्री पाई बाई टू इज लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस एक्सप्रेशन को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना, पहला टाइप का क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो गया। और इस ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। और भी दो टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके पास सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, उन दोनों टाइप के क्वेश्चन के बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आंसर टेन इनवर्स कॉस एक्स वन माइनस साइन एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए मैं जो हमारे पास ये टारगेट है, इस टारगेट को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, टेन इनवर्स समथिंग टेन और यहाँ पे कुछ फंक्शन हो, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ ताकि मैं टेन इनवर्स को टेन से कैंसिल कर सकूँ। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आप कॉस एक्स और वन माइनस साइन एक्स से आप फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले से आपके पास आंसर निकल के आएगा। तो कॉस एक्स जो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है, बहुत सारे फॉर्मूले उसमें से आपके पास एक फॉर्मूला ये भी होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन टू एक्स का फॉर्मूला तुम्हारे पास एक फॉर्मूला ही है, वो होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन बन जाएगा टेन इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे टू एक्स होता तो एक्स निकल के आता है, एक्स है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो एक्स बाई टू माइनस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और डिवाइड में जाएगा वन की जगह हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन होती है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, साइन एक्स की जगह लिखूंगा मैं माइनस की जगह माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब यहाँ तक एक्सप्रेस करने के बाद इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। आपने इसको एक्सपांड करके इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू या कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, इस तरह से इसको सपोज किया जा सकता है। दैट इज ये बन रहा है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। दैट इज इसको लिखा जा सकता है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा। अब देखिए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू की पावर वन यहाँ पे है, तो पावर दो से कैंसिल होगा तो तुम्हारे पास ये पावर कैंसिल हो जाएगी। अब हम आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टेन इनवर्स इक्वल टू, ऊपर हमारे पास बचा है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा रहेगा एक पावर बचेगा, तो कॉस एक्स बाई टू
माइनस साइन एक्स बाय टू। अब इसको किसी और फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स बाय टू से डिवाइड कर रहा हूँ। कोस एक्स बाय टू से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, कोस एक्स बाय टू, सबसे पहले इसको डिवाइड किया तो कोस एक्स बाय टू डिवाइडेड बाई कोस एक्स बाय टू दैट इज वन, प्लस साइन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाई कोस एक्स बाय टू, वो बन गया हमारे पास साइन डिवाइडेड बाई कोस बनता है टेन, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा टेन एक्स बाय टू। यहाँ पर कोस एक्स बाय टू से डिवाइड करेंगे तो वन, माइनस साइन एक्स बाय टू से डिवाइड करेंगे तो बनेगा टेन एक्स बाय टू, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आगे टेन इनवर्स वन को हम टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं, प्लस टेन एक्स बाय टू डिवाइडेड बाई वन की जगह वन, टेन एक्स बाय टू सिंपली लिखा हुआ, उसको मैं टेन पाई बाय फोर इंटू टेन एक्स बाय टू लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन पाई बाय फोर का वैल्यू वन होता है, तो टेन एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारे पास ये बन गया टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी ऐसे ओपन होता है, टेन पाई ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। अब यहाँ से हम टेन इनवर्स को टेन से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है, तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे टाइप का, जिसमें हमें प्रूव करना रहता है, वैसे टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।